अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बागेश्वर में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर परिषद के प्रदेश संगठन मंत्री प्रदीप शेखावत व प्रदेश मंत्री रोहित ओझा ने कहा कि भविष्य के लिए पर्यावरण संरक्षण किया जाना जरूरी है। बाद में संगठन के कार्यकर्ताओं की बैठक करते हुए अधिक से अधिक छात्रों को संगठन से जोड़ने व संगठन की विचारधारा को आम छात्र तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर जिला प्रभारी शाश्वत खंडूरी, छात्र संघ अध्यक्ष सौरभ जोशी व पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हरीश मेहरा आदि मौजूद थे। आज बागेश्वर में कार्यक्रम आपने आयोजन कर, क्या इसका उद्देश्य था, क्या संदेश देना चाहते हैं? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बागेश्वर के कार्यकर्ताओं के साथ श्री किशन सिंह वलड़ा जी जो अपने यहाँ पे वृक्ष मित्र हैं उनके साथ अभी तक उन्होंने 6 लाख वृक्ष लगभग पूरे उत्तराखंड में अभी तक लगा दिए हैं, तो उनके साथ अपने अधिकारियों का आज बागेश्वर इकाई में आना हुआ था, तो जिसके निमित्त विद्यार्थी परिषद बागेश्वर इकाई के कार्यकर्ताओं के साथ हमारी बैठक आज सुनिश्चित हुई है और इसमें अपने पुरातन कार्यकर्ता जो है उन लोगों के घर में मिलना था। अभी अपने साथ में उत्तरांचल प्रांत के प्रांत संगठन मंत्री श्रीमान प्रदीप शेखावत जी हैं, तो उनके साथ अभी पूरे उत्तरांचल अपने प्रांत का प्रवास चल रहा है जिसके निमित्त सभी जिलों में जाना हो रहा है, सभी कार्यकर्ताओं से मिलना हो रहा है और संगठन के विकास के लिए कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए हर कॉलेज कैंपस की समस्याओं को सुनने के लिए हम लोग पूरे उत्तरांचल प्रांत के सभी कॉलेज कैंपसों तक जा रहे हैं। मैं प्रदीप शेखावत, प्रांत संगठन मंत्री, उत्तरांचल प्रदेश। पूरे प्रदेश भर में अभी हमारा अभी एक राष्ट्रीय अधिवेशन आगरा में हुआ है और आगरा में जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है उसमें अभी पूरे भारतवर्ष में हम जिस प्रकार कैंपसों में काम करते हैं तो शिक्षा के मुद्दों को लेकर तो हम काम करते ही हैं और छोटे छोटे मुद्दों को लेकर, मूलभूत समस्याओं को लेकर, कैंपसों की समस्याएं किस प्रकार हम उनकी समस्याओं का समाधान करें, उसी प्रकार हमारा जो अब की बारी जो पिछले 3 महीने से लेकर और आगामी हमारे 3 महीने की जो योजना है वो ये है कि हम कैंपस वर्किंग पे थोड़ा हमारा ध्यान है और लगातार विद्यार्थियों की समस्या के समाधान कर के लिए हम बड़े बड़े आंदोलन तो करेंगे, पर उससे भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम यह है कि हम रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों का व्यक्तित्व विकास कैसे करें, देश हित के लिए, समाज हित के लिए काम कैसे करें। जैसे आज आपने देखा होगा कि किशन सिंह जी के साथ जो वृक्ष प्रेमी हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं, उनके साथ विद्यार्थी परिषद ने आज कैंपस में एक पर्यावरण का संदेश देते हुए पेड़ पौधे लगाने का काम किया गया है। हम किशन सिंह जी का एक जो जीवन है इनसे प्रेरणा लेकर युवाओं से आह्वान करना चाहते हैं कि आप उसी प्रकार आने वाले समय में जो कैंपस का विद्यार्थी है उनको जल संरक्षण के ऊपर हम काम कैसे कर सकते हैं, पर्यावरण के ऊपर काम कैसे कर सकते हैं, पौधारोपण हम कैसे कर सकते हैं और हम कैंपस में एक जो रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से ये जो पर्यावरण और जल संरक्षण खासकर इन पर हम विद्यार्थियों को एक साथ लेकर वास्तव में कैंपस में एक दातर पे रह के काम करना, यही हमारा एक संदेश है। एक भाई साहब, पूरे देश में अभी एक ऐसा वातावरण बना हुआ है, दिल्ली में आप JNU देखें, जामिया मिलिया देखें, असम में, बंगाल में छात्र संगठन बहुत ज्यादा आंदोलनरत है, तो क्या आप इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? पूरे भारतवर्ष में विद्यार्थियों की समस्या के समाधान के लिए विद्यार्थी छात्र अगर आंदोलन करता है तो उसकी वाजिब मांग को लेकर करता है तो करना ही चाहिए और विद्यार्थी परिषद भी पूरे भारतवर्ष के अंदर जहां जहां पर शिक्षा के मुद्दे हैं वहां पर आंदोलन करती है और मुद्दा ये देखना पड़ेगा कि वास्तव में एक तो होता है कि आंदोलन क्या वास्तव में विद्यार्थियों की समस्या के समाधान के लिए आंदोलन है या फिर आप एक माहौल तैयार कर रहे हैं समाज के अंदर। अगर आप अभी देखेंगे तो एक आपने नागरिक संशोधन बिल के बारे में आपने सुना होगा, नागरिक संशोधन बिल के बारे में अगर ध्यान में आएगा कि वास्तव में ये जो भारत देश की जो सरकार है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। मैं तो अक्सर हर विद्यालय में स्काउट हो चाहे NCC हो, NSS हो, इन माध्यम से भी वृक्षारोपण बहुत पहले से कराते आया हूँ और इनके माध्यम से भी ये बच्चे जब भी इस तरीके से कहीं पर कार्यक्रम करते हैं मुझे सौभाग्य मिलता है कि मैं इनके साथ वृक्षारोपण कर पाऊं, तो कल आप लोगों ने विशेष आमंत्रण दिया और मुझे आज आप लोगों से भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त मिला। तो वास्तव में ये जरूरी है कि हम चाहे कुछ भी करें लेकिन सबसे पहले जननी की सुरक्षा और जननी से पहले जो धरती माता है उसे हम प्रकृति कहते हैं, दोनों जीवनदायिनी हैं, इनका किसी न किसी तरीके से संरक्षण कर लिया जाए तो आने वाली जो भी हमारी युवा पीढ़ी होगी उसे स्वस्थ वातावरण के साथ साथ स्वस्थ मानसिकता, बहुत अच्छी सोच मिलेगी, ये मैं समझता हूँ। ये तो बहुत बड़ी बात है अगर मुझे इन युवाओं के साथ इस तरीके से कार्य करने का मौका मिले तो। वास्तव में ये जो हमारे युवा हैं ये हवाओं की तरह हैं,
इन्हें बहुत आगे जाने का अच्छा मौका मिलेगा। ये अपने प्रदेश में ही नहीं, अपने पूरे राष्ट्र में, ये संसार में, ये पर्यावरण के प्रति अपनी निष्ठा और स्वच्छता कर्मठता के प्रति बहुत अच्छा योगदान दे सकते हैं। मेरा सौभाग्य होगा कि अगर ऐसा ही करते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी, मेरी एक उपलब्धि होगी। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।